जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत, गुरुजी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं निष्ठा चौधरी आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करूंगी और गुरुजी को और संगत को से माफी मांगूंगी अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, बट मुझे पता है कि गुरुजी ही बुलवाएंगे जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी। जब हम मिले थे गुरुजी से 2006 में, मेरे मम्मी पापा ने पहले गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। बैसाखी 2006 में मेरे पापा मम्मा गुरुजी से मिलने गए थे, बट मैं और मेरा भाई नहीं गए थे उस टाइम पे। एंड पापा मम्मी ने वापस आके हमें बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में, बहुत एक इंट्रीग सा क्रिएट कर दिया था गुरुजी के को लेके। बट कुछ टाइम तक वो हमें साथ में नहीं लेके गए, बट वो खुद ऑलमोस्ट हर शाम जाते थे और बहुत लेट रात को वापस आते थे। तो मुझे बहुत ही क्यूरियस मैं हो गई थी कि ये कौन से गुरुजी हैं जो रात को बैठते हैं, बिकॉज यूजुअली इंडिया में मंदिर दिन के टाइम पे रहते थे या अर्ली इवनिंग्स में लोग वापस आ जाते थे मंदिर से, बट मम्मी पापा जब जाते थे तो वो रात को 2 बजे 4 बजे वापस आते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये कौन से गुरुजी हैं, क्या है। तो एक दिन मम्मी पापा हमें भी लेके गए वहां पे। तो जब हम बाहर थे तो पापा ने बोला कि ये बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, इनसे आप कुछ भी मांग सकते हो। तो मैं उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में थी, तो एज सच कुछ बहुत वो मांगने वाला कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पिंपल्स होते थे जैसे टीनेजर्स को होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करूंगी। तो जब गई गुरुजी के पास, मैंने मत्था टेका, मैंने अभी कुछ कहा नहीं था, बट गुरुजी ने बहुत जोर से बोला, मंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पहले तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि गुरुजी ने बोला क्या, बट उनके साइड में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने ऐसे मुझे प्यार से बोला कि बेटा ऐसे मांगते नहीं है, आप जाके बैठ जाओ। तो मैं जाके बैठ गई, बट फिर मैं जब बैठ गई उसके बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि गुरुजी ने ऐसे डांटा क्यों। मतलब यूजुअली मेरा उस टाइम पे एटीट्यूड ये था कि मैं मांग लूंगी, वो देंगे या नहीं देंगे, मुझे ऐसे कोई वो नहीं था कि जरूरी है कि वो दे ही देंगे। मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी उस टाइम पे मेरी, बट वही था कि गुरुजी की समझ नहीं थी, गुरुजी का एक एक शब्द जो होता है वो कितना ट्रू और इम्पोर्टेंट होता है, ये सब बातें मुझे उस टाइम पे नहीं पता थी, ना समझ आई। बट एनीवेज मैं वहां जाके बैठ गई, बट थोड़ा सा गुरुजी से उस टाइम पे मैं नाराज सा हो गई थी कि पता नहीं क्यों मुझे डांट दिया। मतलब ऐसे प्यार से भी बोल सकते थे कि कोई बात नहीं बैठ जाओ, बट एनीवेज मैं वहां बैठी। बट वहां पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो डिसिप्लिन गुरुजी के मंदिर का होता है वो बहुत यूनिक था, क्योंकि दिल्ली में यूजुअली आप कहीं पे भी जाते हो तो सब लोग फर्स्ट आना चाहते हैं, सब लोग लाइन में सबसे पहले आना चाहते हैं, बट गुरुजी के मंदिर में मैंने बहुत अलग एक्सपीरियंस किया कि सब लोग बहुत प्यार शो करते हैं, सारी संगत एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे थे, लाइन में सब लोग आराम से लगे हुए हैं, अगर कोई ओल्डर कपल आ गया या ओल्डर लोग आ गए तो उनको पहले अपने आप से आगे लगा लेते थे लाइन में। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी वहां पर। एंड दूसरा, मुझे लंगर बहुत टेस्टी लगा उस टाइम पे। तो इन सब रीजंस की वजह से इवन तो मैं गुरुजी से हल्का सा नाराज थी, मैं फिर भी आती रही गुरुजी के पास। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ऐसे फोर्स नहीं किया कहीं पे भी जाने के लिए, बट मुझे खुद को अच्छा लगता था इसलिए मैं उनके पास फिर भी जाती रही ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके बाद एक दिन मैं कन्विंस हो गई कि मे बी जो मैं उनसे उस टाइम पे मांगने वाली थी वो गलत चीज थी, तो मे बी अब की बार मैं उनसे कुछ बोलूंगी तो वो शायद इस बार दे देंगे। तो मैंने दोबारा से अटेम्प्ट किया, बट अगेन गुरुजी ने ये भी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या मांगने वाली हूँ, मुझे बस डांट दिया कि मंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगे। तो अगेन मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब सब लोग जो सत्संग सुनाते हैं वो तो ऐसे ही सुनाते हैं कि उन्होंने कुछ मांगा उनको मिल गया, तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि मेरे को क्यों डांट पड़ती है और बाकी लोगों के लिए तो गुरुजी
सुन लेते हैं जो वो बताते हैं. बट एनीवेज उस टाइम पे मुझे ये भी लगा कि मे बी क्योंकि मैं थोड़ी छोटी हूँ एज में, तो समझ भी नहीं है, तो गुरुजी को भी लग रहा होगा ये बच्ची पता नहीं क्यों आके मुझे तंग कर रही है. तो इस तरह का मेरा एटीट्यूड था, तो इसलिए मैंने फिर भी कुछ ऐसे बहुत बुरा नहीं माना, बट थोड़ा सा बुरा माना कि पता नहीं क्यों मुझे डांट पड़ती है हर बार. एनीवेज फिर भी जाते रहे एंड एट सम पॉइंट मेरा बिलीफ ये बन गया कि गुरुजी मुझे लाइक नहीं करते हैं इसलिए वो मुझे डांटते हैं. तो एक दिन मैं अपनी, मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसकी फैमिली को मेरे पेरेंट्स लेके गए थे. तो आज्ञा के टाइम पे मम्मी पापा पहले आगे जाके उसके मम्मी पापा के साथ आज्ञा लेके आ गए, और फिर मुझे और मेरी फ्रेंड को अंदर जाना था गुरुजी के पास. तो पापा ने बोला कि बेटा इसे इंट्रोड्यूस करना होता है जब आप किसी भी नई संगत को लेके जाते हो, तो आप गुरुजी को बताना कि ये आपकी फ्रेंड है, कौन है. तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं गुरुजी तो मुझे हर बार डांटते हैं, तो इस बार भी मुझे डांट ही पड़ेगी, मैं तो उनसे बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी. उनको कुछ पूछना होगा तो मैं आंसर कर दूंगी, बट मैं उनसे बात नहीं करने वाली. बट गुरुजी को हर एक एक बात इतनी अच्छी तरह से पता होती थी, और गुरुजी को पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, कि मैं जब अंदर गई तो वहां आसपास में कोई सेवादार नहीं बैठे थे सरप्राइजिंगली उस टाइम पे. एंड मैं अंदर गई तो गुरुजी ने पूछा कि ये कौन है, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने क्या पूछा है, जबकि पिछली दो बार जब मुझे डांट पड़ी थी तो मुझे समझ नहीं आया था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं. बट जब इस बार उन्होंने मुझसे पूरी कॉन्वर्सेशन करी, कि मैंने उनको बताया कि मेरी स्कूल की फ्रेंड है, उन्होंने कहा अच्छा कौन सी क्लास में, मैंने उनको बताया कौन सी क्लास में, फिर उन्होंने कहा चलो फिर ऐश करो, तो गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे लाइक नहीं करते या उनको कोई प्रॉब्लम है मुझसे, बट इट्स मोर कि जो उन्होंने बोला मुझे कि मंगया ना कर कम खराब कर लेंगी, दैट हैज अ सिग्निफिकेंस इन माय लाइफ. और ये बात मुझे एज लाइफ गोज ऑन हर बार रियलाइज होती है कि गुरुजी ने कितना मुझे ब्लेस कर दिया विद दैट वन स्टेटमेंट कि मंगया ना कर कम खराब कर लेंगी. एनीवेज सो हम लोग जाते रहे गुरुजी के पास. मैं गुरुजी को मानती थी, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे फिर भी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो आई थिंक मोस्टली लोग उनको ऐसे डायरेक्टली भगवान नहीं मान पा रहे थे. बट तो मैं भी उसी कैटेगरी में थी इन द बिगिनिंग. बट एट सम पॉइंट एक बार कोई एक संगत खड़े होके अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने जब सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो शिव जी का रूप है, गुरुजी शिव अवतार हैं, इस तरह से मतलब शिव जी के बारे में दो तीन बार ऐसे कह दिया. तो मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी उस टाइम पे और अभी भी हूँ, बट तो मेरे को एकदम से लगा कि मेरे शिव जी से क्यों आप कंपेयर कर रहे हो इन ह्यूमन को. तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बुरा सा लगा कि मेरे शिव जी, तो मुझे प्रोटेक्टिव भी लगा अपने शिव जी के लिए. बट एनीवेज उस टाइम पे जब हम बैठे थे, तो जब सत्संग खत्म हो गया उसके बाद अभी भी हम बैठे थे वहां पे, तो मैंने गुरुजी को अपने मन में सोचा कि अच्छा अगर आप शिव जी का रूप हो तो आप तो मेरी सारी बातें सुन सकते होगे, तो अभी आप इमीडिएटली, वो दूसरी साइड पे देख के किसी से बहुत इंटेंस बात कर रहे थे, बहुत सीरियस फेस बना के, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी तरफ अभी देखो और स्माइल करो. विद इन मिली सेकेंड्स गुरुजी ने मेरी साइड पे देखा और स्माइल कर दिया. तो मैं बहुत डर गई और मैं एकदम से नीचे छुप गई सब लोग के. तो बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जब मेरा हार्ट रेट वापस नॉर्मल पे आया, तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये तो कोइंसिडेंस था कि गुरुजी तो ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं बैठ के, तो मे बी मेरी तरफ बाय चांस उन्होंने देख लिया होगा. मैंने फिर से एक और बार सेम चीज करी, फिर से गुरुजी ने इमीडिएटली मेरी तरफ देखा, तो फिर से मैं डर गई, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये कोइंसिडेंस था. फिर मैंने अब की बार गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये लास्ट लास्ट टेस्ट है, कि आप आज अगर हमें 12 बजे तक रोके तो मैं मान जाऊंगी कि आपको मेरी सारी बातें सुनाई देती हैं और आप सच में शिवजी का रूप हो, और मैं आज के बाद कभी इस बात को क्वेश्चन नहीं करूंगी. तो यूजुअली जब मम्मी पापा
जाते थे गुरुजी के पास तो वो लेट तक रुकते थे, बट जब मैं या मेरा भाई उनके साथ में जाते थे तो गुरुजी जल्दी हमें फर्स्ट राउंड ऑफ लंगर के बाद आई थिंक 9:30-10 o'clock तक वापस भेज देते थे। तो मुझे हमेशा से क्यूरोसिटी थी कि जो लोग लेट तक रुकते हैं उनका क्या होता है वगैरह। बट उस दिन जब मैंने बोला गुरुजी को ऐसा कि आप आज हमें 12 बजे तक रुकना, उस दिन गुरुजी ने एक्चुअली हमें रोक लिया और कुछ टाइम बीता, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि चलो अब तुम। तो जब मम्मी पापा दोनों मत्था टेकने गए तो उन्होंने जो भी कॉन्वर्सेशन करी, उसके बाद में जब मैं मत्था टेकने गई तो गुरुजी अपनी साइड में किसी लड़की को बोलते, और फिर बच गए 12, हो गया तेरा हैप्पी बर्थडे। तो वो समहाउ एक मैसेज दोनों को दे रहे थे, मतलब उसको तो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, बट मुझे बिना एम्बेरस किए उन्होंने बता दिया कि मैंने, मुझे पता है कि तुम्हें 12 बजे जाना था और मुझे पता है कि अभी एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं और तुम चलो यहाँ से। तो उस दिन के बाद मुझे गुरुजी पे फुल फेथ हो गया और ये भी समझ आ गया कि मेरे शिव जी मेरे लिए ह्यूमन फॉर्म में मुझसे मिलने आए, विच इज अमेजिंग मेरे लिए। तो बट उसके बाद, उस दिन के बाद मुझे डर भी लगने लग गया कि ओ ये तो मतलब प्रॉपर गुरु शिवजी हैं गुरुजी। तो मुझे बहुत सोच सोच के, जब मैं मंदिर में बैठी होती हूँ एटलीस्ट उस टाइम पे अपने थॉट्स को रखना है, बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इट, क्योंकि गुरुजी हर वक्त शिवजी गुरुजी हर वक्त आपके थॉट्स सुन सकते होंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हो। तो एनीवेज उस टाइम पे फिर जाते रहे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहे और मुझे बहुत स्ट्रांग फेथ हो गया था, तो मैं कभी भी कोई भी वीक मिस नहीं करना चाहती थी गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने हमें हफ्ते में एक दिन आने को बोला हुआ था, तो हम सिर्फ एक ही दिन आया करते थे उस टाइम पे, तो वो एक दिन मैं जरूर जाना प्रिफर करती थी हमेशा। तो एक बार मेरा 12th का एग्जाम था, उस टाइम पे भी गुरुजी ने मेरा डे चेंज करवा के सैटरडे से संडे मुझे अलाउ कर दिया आने के लिए। एंड देन जब मैं गई तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने अपना एक स्वरूप भी दिया था मुझे एक आंटी के थ्रू टू कीप फॉर माय एग्जाम्स। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद भी भेजा था ड्राई फ्रूट्स का टू हैव बिफोर माई एग्जाम्स। तो गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया इन एवरी वे पॉसिबल। एंड देन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मैं बहुत लॉस्ट हो गई कि अब गुरुजी नहीं है, अब कैसे कुछ भी होगा, हम कैसे आगे लाइफ चलेगी, कैसे सब कुछ होगा। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज चली गई थी इन 2007 जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। तो एक बार मेरे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने वाले थे, उस टाइम पे मुझे समहाउ बहुत एंजाइटी हो रही थी और ये भी लग रहा था कि गुरुजी तो है नहीं, तो अब पता नहीं मेरी लाइफ कैसी रहेगी, कैसा कुछ भी होगा। तो उस टाइम में जब मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, तो रात को एक बार सिर्फ मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं करी। मुझे हमेशा से गुरुजी के हाथों से बहुत फैसिनेशन होता था और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कभी गुरुजी के हाथ दबाने की सेवा करनी है। तो उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे अपने हाथ दबाने की सेवा करने दी और दैट्स इट, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। बट मुझे एकदम से ऐसा लगा कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं, और जस्ट बिकॉज उन्होंने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है दैट डजंट मीन कि उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया है। तो उस दिन के बाद से मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि ठीक है, अभी भी गुरुजी हैं, अभी भी हमारी लाइफ उन्हीं के हाथ में है और वो ही खुद ही हैंडल कर रहे हैं हर एक एक सिचुएशन हमारी लाइफ की। देन कमिंग बैक टू कि गुरुजी ने कहा था मंगया ना कर कम खराब कर लेंगी, तो ये बात मैंने बहुत अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, बट एट द सेम टाइम हम ह्यूमंस ही हैं तो कुछ इच्छाएं कुछ विशेष तो सबकी होती ही हैं। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे ये चाहिए, बट आई विल लेट गुरुजी डिसाइड कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं है, अगर ठीक है तो ही गुरुजी मुझे ये दे। तो जब मैं कॉलेज में थी,
तो एक कंपनी आती थी रिक्रूटमेंट के लिए जो हमारी हमारे स्ट्रीम के लिए सबसे अच्छी कंपनी थी, वो पहले एक साल पहले ही आ जाती थी थर्ड ईयर में, और वो जो टॉप 40 स्टूडेंट्स होते हैं उनको ले जाके एक स्पेशल प्रोग्राम करते थे, एंड देन हिस्टोरिकली हमें पता था कि उन 40 स्टूडेंट्स में से ही वो रिक्रूटमेंट करते हैं इन द एंड, ऑल्दो वो एग्जाम वगैरह सबका लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ उन 40 में से ही हायर करते हैं इन द एंड. तो मैं जब वो लोग आए 40 स्टूडेंट्स में, आने से मेरा नाम सिर्फ 0.1% से रह गया. तो उस दिन मैं बहुत अपसेट हो गई कि पता नहीं, मतलब मैं ऑब्वियसली चाहती थी उस कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना या रिक्रूट होना, बट मेरा ये मिस हो गया और बहुत ही कम, मतलब एक मार्क भी नहीं बनता 0.1%. तो मैं बहुत अपसेट थी उस दिन. और गायत्री आंटी जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिलवाया था, उस दिन बाय चांस वो मुझे कॉलेज से पिक करने आए. तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ वाज योर डे, और मैं एकदम से रोना शुरू हो गई कि ये ऐसे ऐसे हुआ, ये कंपनी आई थी, मेरा तो मिस हो गया, अब तो मेरा रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी चाहते हैं अगर आपका इस कंपनी में तो हो जाएगा. तो आई थॉट कि उनको समझ नहीं आया कि एक्चुअली अनलेस मैं उस सिलेक्शन में हूँ मेरा नहीं रिक्रूटमेंट हो पाएगा. बट एनीवेज आई रिस्पेक्टेड कि उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा कि मे बी ये कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है तो मेरा इस कंपनी में हो ही नहीं पाएगा. बेसिकली दैट्स व्हाट द मैसेज इज, दैट्स व्हाट आई गॉट द मैसेज. बट क्योंकि गायत्री आंटी इतनी पुरानी संगत है, उनको गुरुजी की हर एक बात पता है, उनको पता है कि गुरुजी कैसे मिरेकल्स भी करते हैं, तो जो उन्होंने कहा था वही एंड में हुआ कि इवन दो मेरा उन 40 स्टूडेंट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन दो मुझे सैटरडेज को वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ा और मैं अपने सैटरडेज एंजॉय करती थी, मेरा फिर भी इन द एंड उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया. एंड आई वाज वन ऑफ द ओनली टू पीपल जो बिना उस 40 पीपल वाले प्रोग्राम के उस कंपनी में सिलेक्ट हो गए. सो अगेन गुरुजी ने शो किया मुझे कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी, क्योंकि मैं ये मांगती कि मुझे ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, बट गुरुजी को पता है कि तुम बिना पार्टिसिपेट किए प्रोग्राम में यू कैन जस्ट गेट अवे विद इट. तो उस दिन मुझे ये बात रियलाइज हुई. उसके बाद में जब हम वो मैंने जब वो कंपनी ज्वाइन करी, तो फर्स्ट वीक में ऐसे ट्रेनिंग होती थी एंड उसमें सारे डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो थे वो सारे एक साथ ट्रेनिंग में आते थे. तो वहां पर ऐसे बात हो रही थी कि एक कंपनी है जिससे कि डायरेक्टली तुम जैसे ही एक टीम है जिसको ज्वाइन करते ही आपको सीधा यूके भेज दिया जाता है. तो मतलब मेरी सारी क्लास के सारे जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि अरे हमें उस टीम में जाना है वगैरह. और जितना मुझे पता चला था वो ये था कि वो टीम बैंगलोर में बैठती है. तो मेरा गोल ये था कि मुझे घर पे ही रहना है, तो मैं गुड़गांव या NCR में ही अपना लोकेशन चाहती थी. तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं और मुझे लगा कि हाँ दैट्स वेरी नाइस कि अगर उस टीम में हो जाए तो, बट एनीवेज आई वुड प्रेफर कि मैं घर पे ही रहूं अपने पेरेंट्स के पास. तो आई वुड लाइक टू नॉट गो टू बैंगलोर और एनीवेयर एल्स. तो मेरा ऐसे थॉट प्रोसेस था. और दूसरा मुझे ये था कि हाँ गुरुजी अपने आप देख लेंगे. तो मेरा कभी भी ऐसे नहीं बना कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ ये था कि हाँ मुझे इसी टीम में जाना है. बट गुरुजी ने जो ब्लेस करना होता है वो उन्होंने ब्लेस करना होता है. तो उन्होंने मुझे वो टीम NCR में दिलवा दी जिससे कि यूके डायरेक्टली पोस्टिंग हो जाती थी ज्वाइन करने के बाद. तो गुरुजी मुझे हर बार 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 यही दिखाए जा रहे थे कि मैं मांगू ना उनसे तो वो मुझे जो मैं सोचती हूँ उससे भी कई ज्यादा देते हैं. ऐसा एक और एग्जाम्पल ये था कि जब एनीवेज आफ्टर जॉब वगैरह मैं US आ गई थी अपनी मास्टर्स करने के लिए.
उसमें भी गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस करा कि मुझे जिस कॉलेज से मैंने MBA करा वहां पे मुझे 90% स्कॉलरशिप मिल गई, तो हमें फाइनेंशियली कोई ऐसे बर्डन नहीं पड़ा टू डू द मास्टर्स, क्योंकि और US में अगर MBA करने आते हैं तो एक लॉटरी सिस्टम है, तो वो एक ही बार लॉटरी में नाम आता है अगर MBA करते हैं तो मेरे ऊपर वो फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं पड़ा कि मैंने एजुकेशन के लिए बहुत पैसे दिए हैं तो इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम के लिए जॉब करनी पड़ेगी टू पे ऑफ लोन्स और एनीथिंग. हमारा बहुत इजीली सब कुछ निकल गया. बट इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग मेरे साथ गुरु जी ने इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, हमेशा ब्लेस करते रहे कि जब स्पेशली जब लोग H1B के लिए अप्लाई करना चाहते होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूंढना, बट मेरे साथ गुरु जी ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं कि मुझे सामने से किसी ने मैसेज करा कि आपको जॉब चाहिए क्या, विच इज वेरी अनहर्ड ऑफ कि कोई H1B वालों से पूछ रहा है कि तुम्हें जॉब चाहिए क्या, और वो कोई नकली बंदा नहीं था, वो एक्चुअली में एक कंपनी में प्रॉपर EVP पोजिशन पे एक हमारी यूनिवर्सिटी के ही अलमनाए थे जिन्होंने मुझे रीच आउट करा और उन्होंने कहा आपको जॉब चाहिए, एंड देन मैंने उनके साथ इंटरव्यू करा. एंड इवन इंटरव्यू प्रोसेस में मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझसे आंसर्स दिलवाए हैं, बिकॉज मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके लिए जो मैंने आंसर दिया वो मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे वो आंसर आता कैसे था, बिकॉज मैंने कभी नहीं पढ़ा था वो आंसर, बट जब उन्होंने मुझसे पूछा मैंने इमीडिएटली उनको आंसर कर दिया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, बट मुझे पता है कि गुरु जी ने वो आंसर भी मेरे दिमाग में डाला. तो फिर मेरी हायरिंग हो गई, एंड वो भी बहुत फनी चीज थी कि मेरा फर्स्ट जॉब इन द US 7 जुलाई को स्टार्ट हुआ. वो भी मतलब वो थर्सडे था, विच यूजुअली कंपनीज थर्सडेज को किसी को नया ज्वाइन करने के लिए अग्री नहीं करते हैं, उनको लगता है कि या तो मंडे से स्टार्ट करो या फिर यू नो अर्ली ऑन इन द वीक से स्टार्ट करो. थर्सडे को स्टार्ट करना वो इज वेरी डिफरेंट, बट अगेन गुरुजी ने ब्लेस करना होता है तो होता ही है. तो 7 जुलाई को मेरी जॉब यहाँ पे स्टार्ट हुई. उसके बाद एक और मिराक्युलस या गुरुजी कैसे छोटी छोटी बातों में भी हमारी बातें सुनते हैं, इसका एग्जाम्पल ये था कि मैं एक बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेने के लिए गई थी. मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम पे, बट ऐसे ही लाइसेंस लेना चाहती थी बिकॉज काफी टाइम हो गया था उस टाइम पे US आए हुए, तो ड्राइव करना इंडियन लाइसेंस पे वैलिड नहीं था, तो इसलिए मैं DMV गई अपना लाइसेंस लेने के लिए. और वहां पर बहुत लाइन लगी हुई थी, मैं दूसरी बार जा रही थी, फर्स्ट टाइम मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो मैं जब सेकंड टाइम गई और वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और लाइन में खड़े हुए मैं गुरुजी को बोल रही, और वो उस दिन 12 बजे बंद हो जाता था DMV, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आज अगर मेरा ये नहीं हुआ ना तो मैं ये सोच लूंगी कि मेरा H1B भी नहीं लगेगा और मैंने इंडिया ही वापस जाना है, तो कोई लाइसेंस का भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो इसलिए मैं बस अभी यहाँ पे इतने ही टाइम के लिए हूँ, बट मैं ये आधा घंटा जो है इसका वेट करूंगी. बट मैं लाइन में बहुत पीछे थी उस टाइम पे, तो कोई चांस ही नहीं था मेरा नंबर आने का, बट मैं ऐसे ही गुरुजी से अपने मन में खड़े हुए बात कर रही थी. इतने में कोई यहाँ का बंदा आया और वो सबसे पूछ रहा है आपका टोकन नंबर क्या है, आपका टोकन नंबर क्या है, और सबसे पूछते पूछते मेरे पास आता है और कहता है आपका टोकन नंबर ये है, मुझे याद नहीं है क्या नंबर था बट व्हाटएवर. तो उसने कहा कि मेरा नंबर कुछ बहुत आगे का नंबर, उसने बताया कि 15 है, तो क्या आप मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहेंगे अपना नंबर. मैंने उसको बोला हाँ, और मैंने उससे उसकी स्लिप ली और मैं फटाफट से भाग गई आगे. तो इट वॉज वेरी मिराक्युलस इन माई ओपिनियन कि कोई पीछे का नंबर क्यों लेना चाहेगा जब उस दिन उसकी टर्न आएगी ही नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता है. इट वॉज अ वेरी इलॉजिकल थिंग, बट गुरु जी ही इस चीज को करा सकते थे. इट इज ओनली पॉसिबल इफ गुरुजी वाज द वन हु इंटरवीन्ड इनटू दिस. एंड देन ऑब्वियसली
और दूसरी बात यह कि H1B और ड्राइविंग लाइसेंस में कोई रिलेशनशिप नहीं है आज आपस में, मगर मैंने गुरुजी को ऐसे बोल दिया तो गुरुजी ने वो भी करवा दिया। एंड देन मेरा H1B लग गया। एंड देन मैं US में रह रही थी, मैं न्यू जर्सी में रह रही थी उस टाइम पे, तो वहाँ एक एडिसन में मंदिर है, वहाँ पे मेरे पापा आते थे ऑलमोस्ट हर साल हम मिलने के लिए। तो जब भी पापा आते थे तो वो मंदिर जाते थे और वहाँ पे अपना सत्संग शेयर करते थे, बट वो साथ में एक और सत्संग ये शेयर करते थे कि उन्होंने गुरुजी को बार बार मुझे इंट्रोड्यूस करा कि गुरुजी है मेरी कुड़ी है मेरी कुड़ी है। एंड देन एक दिन गुरुजी ने कहा हाँ मैंने पता है ये साड़ी कुड़ी है, उसके बाद से गुरुजी ने इंट्रोड्यूस करना बंद कर दिया। तो ये सत्संग पापा ऑलमोस्ट हर बार शेयर करते थे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि पापा हर बार शेयर करते हैं, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता था, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब गुरुजी ने ऐसे ही पापा का दिल रखने के लिए कुछ कह दिया तो पापा इतना ये बार बार शेयर कर रहे हैं वो एक छोटी सी चीज को, तो मुझे बहुत ऑड लगता था जब भी वो ये बात शेयर करते थे। बट गुरुजी ने ये भी मुझे रियलाइज करवाया कि गुरुजी का कोई भी वर्ड जो है वो ऐसे ही नहीं था, उन्होंने हमेशा जो भी बोला उसका कोई मीनिंग था। तो 2021 में मुझे फाइनली प्रॉपरली रियलाइज हुआ कि ये सत्संग का भी कुछ मीनिंग था, कि क्योंकि 2021 में थोड़ा सा कोविड टाइप का टाइम चल रहा था, मेरा वीजा स्टैम्प नहीं लगा हुआ था, एंड मेरी शादी की बात चल रही थी तो हमने डिसाइड किया कि US में ही कर लेंगे शादी। तो जब सोचा था इसके बारे में तो ये सोचा था कि छोटी सी शादी करेंगे, मेरा आइडिया ये था कि छोटी सी शादी करेंगे, बस मम्मी पापा मेरे और मेरे हस्बैंड के और भाई भाई भी हों दोनों के तो अच्छा रहेगा, बट ऑप्शनल, तो छोटी सी शादी रहेगी और मतलब थोड़ा रैप अप सा हो जाएगा, एंड बाद में देख लेंगे अगर कुछ और करना होगा इंडिया में, बट आइडियली बस उतना ही करेंगे, ये मेरा आइडिया था। बट गुरुजी हैज हिज ओन प्लान्स ऑल द टाइम, क्योंकि जब ये बात स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता गया आइडिया कि अच्छा चलो एक छोटा सा हॉल बुक कर लेते हैं जिसमें रिसेप्शन रख लेंगे, जो भी 20-30 लोग आ रहे होंगे उनके लिए तो वो रख लिया। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करना था तो हमने सोचा हाँ ठीक है 20-30 लोग तो हो जाएंगे, तो उनके लिए सिर्फ रिसेप्शन पे उनको बुला लेंगे, एंड देन फेरे जो है वो हम लोग गुरु जी के मंदिर में करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हमने वहाँ एडिसन अंकल एडिसन मंदिर में अंकल से शेयर करी कि इज इट ओके कि हम अगर अपनी वेडिंग यहाँ पे कर लें ऑर्गेनाइज। तो अंकल ने कहा ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे, आप तो गुरुजी की बेटी की तरह हो तो हाँ जरूर। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है अच्छी बात है चलो। तो अंकल ने बोला कि वो सब ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प करेंगे, तो उन्होंने पूरा मंदिर का जो भी सेटअप था वो पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज करा। बट देन आफ्टर सम टाइम मुझे बाकी चीजों में भी कुछ हेल्प चाहिए थी, जैसे दूसरे हॉल की डेकोरेशन और छोटी छोटी चीजें जो थी उसमें सब में जो एडिसन मंदिर की संगत थी उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करा कि मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मेरी रियल फैमिली जैसे पार्टिसिपेट करे किसी चीज में, वैसे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। एंड देन एक और आंटी हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारी मेहंदी का क्या सिचुएशन है, तुम कहाँ कर रही हो। तो आई वाज लाइक कि ऐसे इतना तो मैंने डिटेल्स में सोचा ही नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मेहंदी का पूरा फंक्शन खुद स्पॉन्सर भी करूंगी, खुद ऑर्गेनाइज भी करूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन सो ब्यूटिफुल कि संगत, सिर्फ मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा ही जानती थी कि कभी कभी वो एक्चुअली वो तो मुझे मंदिर तक लेके जाती थी, उनके पास गाड़ी थी तो वो मुझे हर वीक मंदिर तक लेके जाती थी, तो वो पहले ही मुझे इतनी हेल्प करती थी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने मेरी मेहंदी का भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में पूरा हेल्प करा। देन
जब मम्मी पापा आ गए, पहुंच गए यूएस, वो भी ऐसा था कि कोविड था, तो किसी को पता नहीं था कि कब से फ्लाइट स्टार्ट होंगी. उन सिर्फ इतना अनाउंस हुआ था कि नवंबर में कभी फ्लाइट्स खुलेंगी, एंड हमने डिसाइड किया कि 14 नवंबर को शादी करेंगे. तो फ्लाइट्स जो थी वो 9 नवंबर को खुली थी, एंड देन 10th को पापा मम्मी आए. तो मतलब शादी से जस्ट 4 दिन पहले मेरे खुद के पेरेंट्स और इवन मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स 4-5 दिन पहले ही लैंड हुए यूएस में. तो आप ये सोचिए कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारी प्लानिंग, सब कुछ सिर्फ गुरुजी की संगत ने करी. और मेरा खुद का भी कुछ ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा था उस पूरे प्रोसेस में. सारा कुछ हमारी संगत, हमारी प्यारी गुरुजी की संगत ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी अपने आप ही. एंड देन जब मम्मी पापा आए तो बात चल रही थी कि हाँ कैसे कहाँ क्या करेंगे, किसको बुलाना है स्पेरों के लिए स्पेसिफिकली. तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक लिस्ट है कि किसको आप बुलाना चाहते हो, किसको नहीं बुलाना चाहते हो. तो मेरा शुरू से आइडिया यही था कि जो क्लोज फैमिली है सिर्फ वो रहेंगे फेरों के टाइम पे. बट मैंने ये बात एक्सप्रेस नहीं करी बिकॉज मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने शुरू से कहा है कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी. तो उसी बेसिस पे मैंने अंकल को बोला कि अंकल जैसे आपको ठीक लगे आप कर लो वैसे. एंड शादी से दो तीन दिन पहले जब हम अंकल से मिलने गए, तब मुझे पता लगा कि जो फेरे हैं वो गुरुजी की गद्दी के एकदम सामने हो रहे हैं. नॉट जैसा कि मेरे दिमाग में था कि कहीं लाइक बाहर एक पार्किंग लॉट है उसमें शायद से फेरे होंगे, ये मैंने सोचा था. बट अंकल ने मुझे बताया कि नहीं, अंदर गुरुजी की गद्दी के एकदम साथ में फेरे होंगे. तो जब ये सब ऑर्गेनाइज हुआ और सब कुछ हुआ, तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि गुरुजी जब बोलते थे कि ये साड़ी कुड़ी है, तो वो कोई ऐसे वेग स्टेटमेंट नहीं था. उन्होंने एक्चुअली उस बात को ऑलमोस्ट प्रूव करा. मुझे ऐसा लगा कि मेरा कन्यादान तो गुरुजी ने ही करा है. पापा मम्मी भी थे साथ में, मगर पापा और गुरुजी दोनों ने साथ में साड़ी कुड़ी का प्रॉपर कन्यादान करा. विच मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ जब भी उस चीज के बारे में सोचती हूँ कि गुरुजी ने इतनी ब्यूटिफुली हमारी शादी करवाई. एंड देन ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि सिर्फ हमारी क्लोज फैमिली फेरों के टाइम पे आए, बट ऐसा नहीं हुआ था. एक्चुअली हमारे फेरों के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरी जर्सी की जो संगत थी वो प्रेजेंट थे. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हमेशा से लगता था कि ये फेरे थोड़े से बोरिंग से होते हैं और कौन ही अटेंड करना चाहता होगा किसी के फेरे और ये सब. मगर वो संगत इतनी एक्साइटेड और इतनी हैप्पी और इतनी लविंग है कि वो लोग सब आए. फेरों में भी उन्होंने नॉट जस्ट अटेंड करा, उन्होंने पार्टिसिपेट करा, उन्होंने बहुत हैप्पी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा. एंड देन इवन फॉर द रिसेप्शन, मतलब संगत आके वहां पे जो उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया, रात तक बंद नहीं किया. और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो इतने सरप्राइज थे कि पता नहीं तुम ये इतने सारे लोगों को जानती कैसे हो, और दूसरा ये लोग इतने खुश कैसे हैं, और ये तो हमसे डबल एज के लोग भी पूरी रात डांस कर रहे हैं, विच इज वेरी यूनिक. कोई उन्होंने भी कभी ऐसे नहीं देखा था कि इतना एक्साइटमेंट, इतनी हैप्पीनेस किसी भी जगह पे किसी शादी में हो सकती है. तो वो सब देख के मुझे हमेशा फील हुआ कि गुरुजी का एक भी वर्ड जो होता है वो अनट्रू नहीं होता है, और गुरुजी हर एक एक बात जो है वो मीन करते हैं. एनीवेज उसके बाद शादी हो गई. एंड देन अभी रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को कुछ हार्ट प्रॉब्लम आया था, एंड उसमें भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उनको भी कि जिस दिन, जिस रात को उनको वो हुआ था, इश्यू हुआ था और उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो मैंने फटाफट से उनको बोला था कि उनके पिल्लों के नीचे गुरुजी की फोटो रख दें. तो गुरुजी की फोटो रख दी गई थी. उस दिन उनको इमीडिएटली ये बताया गया था कि सर्जरी इमीडिएटली करानी पड़ेगी.
एंड देन बट उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक वेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो दूसरे हॉस्पिटल चले गए एंड जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि सर्जरी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको जस्ट स्टेंट्स डाल के और आपका ठीक हो जाएगा सब कुछ. विच अगेन आई फील लाइक गुरुजी ने ठीक कर दिया, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती थी उसको बहुत मेलो डाउन कर दिया. और वो लोग जस्ट जब ये सब हुआ उससे जस्ट पहले अभी यूएस भी आए थे हमारे साथ, तो बहुत सारे उन्होंने सत्संग भी अटेंड करे थे मेरे साथ और उन्होंने ऑलरेडी गुरुजी ने उनको ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया था, उनको लंगर काफी सारा मिला. तो आई थिंक कि गुरुजी ने उसमें भी उनको भी ब्लेस करा. तो गुरुजी सिर्फ हमें ही नहीं बट हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को भी ब्लेस करते हैं. और अब मेरे पेरेंट्स इन लॉ जो हैं वो भी गुरुजी के काफी क्लोज आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि अब हमारी पूरी फैमिली एज अ होल गुरुजी को मानती है और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेती है और गुरुजी हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं और अभी भी मुझे लगता है कि आगे भी वो देते रहेंगे. और कभी उनकी बस शरण में रहें हम और गुरु जी हमें हर हमारी गलती के लिए माफ करते रहें और हमें हमेशा इतना ही प्यार देते रहें. जय गुरु जी.